हे मेरी प्यारी ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और फाइनली आ चुका हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो कुछ आज Q&A होने वाला है, और जितने भी वीडियो रिसेंटली मैं अपलोड करूंगा उनमें एक चीज डेली बताया करूंगा जो अपने लाइफ से सीखी होती है और उनसे आपको हेल्प मिल सकती है बहुत सारे अपने लाइफ में और बेटर बनने के लिए डे बाई डे। तो सबसे पहली चीज कल मैंने बताया था कि अगर कोई पशु वगैरह को कहीं भी बाहर मिले तो उसको खाने के लिए जरूर दीजिए, अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है तो जरूर ये चीज करें। लेकिन जो आज एक चीज है ना, वो है कि जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि सेलिब्रिटी कौन होते हैं, तो हम सभी के एक्टर और एक्ट्रेस के नाम बताते हैं ये, लेकिन रियल में ये जो स्टार होते हैं ये नहीं होते। जो रियल स्टार्स होते हैं वो एक एथलीट, जो आपके घर में आपकी मम्मी पापा भाई, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, रियल हीरोज जो होते हैं ये होते हैं। रियल लाइफ में जो करते हैं ना, इतना किसी को दिखा दिया जाए ना किसी वीडियो या मूवीज में ना, तो लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन वो हम देखते हैं कि जो मूवीज में हीरोज और स्टार होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो स्टार नहीं होते हैं, स्टार रियल में मम्मी ही होती है। तो चीज ये है। और एक सवाल था कि मोनेटाइज चैनल के बारे में, कि जितने भी बंदों को जब चैनल सेल करते हैं तो सभी का यही सवाल होता है कि हमें मोनेटाइज चैनल चाहिए। पहली बात कि आपको 1500-2000 में कोई भी मोनेटाइज चैनल नहीं मिलेगा, और एक मोनेटाइज चैनल करने में बहुत प्रोसेस लगती है। तो अगर आपको कोई भी एवरेज अगर 1000 से 5000 के सब्सक्राइबर वाला चैनल भी सेल करता है तो वो एवरेज 40-50 हजार के बीच में आपको मिलेगा पहली बात, क्योंकि इसके लिए काफी एक बड़ा प्रोसीजर होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें रहती है। और मैं इसमें आप एक चीज भी बताना चाहता हूँ कि आपको मोनेटाइज चैनल क्यों परचेस नहीं करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी आप सिर्फ चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पे। सो मोनेटाइज चैनल परचेज करने का बेनिफिट ये नहीं है। अगर आप कोई भी चैनल परचेज करते हैं, आपको मान लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें होती हैं, मेटा डाटा होता है, थंबनेल, एक अच्छा थंबनेल बनाना होता है, एक वीडियो अच्छा कंटेंट डालना होता है, पहली नॉर्मल सी चीजें हैं ये। और आपको पता है 3 स्ट्राइक्स होती हैं, 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होती हैं। और जो आपको पता है रिवेन्यू कहाँ से बनता है, बेसिकली रिवेन्यू आपको बनता है व्यूज से। जितने ज्यादा व्यूज होंगे और वो भी एक जेन्युइन वे में आए होंगे, देन रिवेन्यू आपको बहुत अच्छा बनता है। ये नॉर्मल सी चीज है, ये सभी को पता होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और मोनेटाइज चैनल आपने मान लीजिए खरीद लिए, ठीक है, चाहे वो 10,000 में खरीदा हो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर वाले चैनल जैसे मैं बेचता हूँ तो वो एक एक्टिव सब्सक्राइबर्स होते हैं, विद इन 1 मंथ के अंदर आए होते हैं, कई बार विद इन 1 या 2 वीक्स में भी आए होते हैं। तो ठीक है, एक चैनल अभी तक बचा है जो बंदा इंटरेस्टेड हो, 1400 सब्सक्राइबर्स वाला भी चैनल मेरे पास है, वो विद इन 1 वीक के अंदर आए हुए, तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है। नॉन मोनेटाइज चैनल होते हैं, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती है, किसी तरह से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जो कल बंदे ने फर्स्ट कमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट अभी आपको इधर दिख जाएगा, सेम उसी बंदे ने प्रीवियसली जिसने फर्स्ट कमेंट किया था, कल भी उन्हीं का एक फर्स्ट कमेंट था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और जिस चीज के हम ऊपर बात कर रहे थे ना, मोनेटाइज चैनल के ऊपर, मोनेटाइज चैनल मान लीजिए आपने खरीद लिया, 10,000 सब्सक्राइबर वाला खरीद लिया, चैनल मोनेटाइज है, बहुत अच्छी बात है अगर 50,000 ने आपने खरीद लिया। अब आपको मैं बताऊं किस तरह से, अगर आप कोई नॉर्मल सब्सक्राइबर वाला चैनल खरीदते तो आपको 10,000 वाला मान लीजिए 7 या 8 में आपको इजिली मिल जाता, ओके। लेकिन अब नुकसान क्या होगा आपको, आपको मैं बताऊं, आपको 40,000 का नुकसान टोटली हुआ, आपको सब्सक्राइबर्स तो वहां से आ गए मान लीजिए, ठीक है। और जो मोनेटाइज चैनल होता है ना, उसके सब्सक्राइबर्स इतने एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर डालते हैं जो कि इतना वायरल होने वाला नहीं होता, तो सब्सक्राइबर धीरे धीरे आते हैं। और अगर चैनल मोनेटाइज है तो मान के चलिए 6-7 मंथ में तो नॉर्मली टाइम लगता ही है, कंटेंट होगा, 4000 वॉचिंग आवर होगा, एंड ऑल ओवर ये सारी प्रोसेस होगी, ये नॉर्मली सभी को पता होता है और आपको भी पता ही होगा। तो मान लो मैंने चैनल खरीदिया मोनेटाइज, ठीक है, और अभी मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ढंग से नहीं बनाना आता, ना मुझे वीडियो एडिट शूट करना आती है ढंग से, ना मुझे वीडियो एडिट करने आती है, ना मुझे थंबनेल बनाने आता है, इससे होगा क्या? देखो मैंने पहले भी चीज रिपीट की कि सारा जो रिवेन्यू था व्यूज के अकॉर्डिंगली डिपेंड होता है। अगर एक सही कंटेंट इज इक्वल टू मोर व्यूज इज इक्वल टू मोर रिवेन्यू, मतलब मोर पैसा, ये नॉर्मल सी एक चीज है। आपने किसी से चैनल खरीद लिया, ठीक है, चाहे उसको 50 या 100 व्यूज आ रहे हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। और अगर आप एक बिगिनर हैं, सबसे पहली बात, अगर आप उस चैनल के ऊपर वीडियो डालोगे ना, आपको मान लो 100 व्यूज भी आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, 20-30 व्यूज आ रहे हैं, तो मंथ में आपको बनेगा, लास्ट के मंथ में आपको 100 रुपए भी फाइनली टोटल मिला जुला के नहीं बनेंगे। ये एक नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि पहली बात आपके कंटेंट भी वैसा नहीं है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं। तो मैं जो सब्सक्राइबर वाले चैनल होते हैं उनको प्रेफर क्यों कहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनको परचेज कर सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। जब आप कोई वीडियो डालोगे तो वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा कि जो मेरा कंटेंट है लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और जैसे धीरे धीरे आप वीडियोस डेली अपलोड करते रहते हो ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो भी बेटर होते रहते हैं, चाहे आप फेस दिखा रहे हैं चाहे फेस नहीं दिखा रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं पहली बात, आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि
इतना बड़ा क्रिएटर कोई भी नहीं है कि वो दूसरे को वीडियो एडिट करने के लिए दे। आपको अपना वीडियो खुद ही एडिट करना पड़ेगा, थंबनेल भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। और जो एक बिगिनर्स के थंबनेल होते हैं ना, वो आप सभी को पता है कि वो कैसे होते हैं, दिखने में वो कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी बताया कि उस तरह के थंबनेल पे कोई क्लिक नहीं करेगा। और ऐसे आपको स्ट्राइक वगैरह भी आ सकते हैं, कई बार आप व्यूज के चक्कर में ऐसा कंटेंट अपलोड कर दोगे, रियूज कंटेंट, और मोनेटाइज चैनल में तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। ऐसे इकट्ठी कई बार होता है कि इकट्ठी स्ट्राइक्स भी 3-4 आ जाती हैं, तो डायरेक्टली वो चैनल डिसेबल हो जाएगा और आपके 50,000 डूब जाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी मैं चीजें आपको कहता हूँ क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर वाला चैनल खरीदते हो तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो धीरे धीरे, और वहां से आपको रिस्पॉन्स भी मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। अदरवाइज जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक मंथ वीडियो अपलोड की थी तो उस टाइम मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, तो 30 वीडियो तक तो मुझे 10 व्यूज भी नहीं आते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने गूगल एड्स की हेल्प से लिया, मैं आपको वही चीज करके देता हूँ, वो वीडियो से व्यूज, जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ कहते हैं बोर्ड्स के थ्रू नहीं होते हैं, वो सारे जो व्यूज होते हैं वो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी के बेस्ड होते हैं और एक जेन्युइन तरीके से होते हैं, कोई एडल्ट कंटेंट वगैरह नहीं होता, और एक वीडियो से ही व्यूज आए होते हैं। तो मैंने गूगल एड्स की हेल्प ली, फिर मुझे लगा कि हाँ, जब एक बार ऑडियंस मिलती है तो वो आपको प्रेफर गाइड करते हैं कि हाँ कहाँ पे कमी रहनी, किस तरह का आपको कंटेंट डालना चाहिए, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में थी, थोड़ा समझ के काम करिए। और जो फर्स्ट कमेंट होगा उसके लिए सवाल है, दो सवाल होंगे, जिसका फर्स्ट कमेंट वैल्यूएबल होगा, मतलब उसकी नेक्स्ट टाइम प्रमोशन होगी, ठीक है। और जो कल बंदे ने कमेंट किया था उसका कॉमेडी टैब में आपको मिल जाएगा वैसे देखने को। तो आज का फर्स्ट सवाल है कि मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर 65,000 व्यूज हैं, हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज, आपने बताना है कि उस वीडियो के ऊपर कितने लाइक हैं और कितने कमेंट हैं। फर्स्ट सवाल है कि कितने लाइक है उस वीडियो पे हैं और कितने कमेंट उस वीडियो में है। सो जिसका सही आंसर होगा उसका प्रमोशन फ्री में होगा कल। सो जल्दी से कमेंट करें। और फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसी तरह से अपना प्यार बना के रखो, और जैसे टेल में हैं हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बिलीव इन योर ड्रीम्स, कीप लविंग मम्मी जी।